स्टार्ट करूं स्टार्ट। एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ में तनुश्री मैम बैठे हैं यहाँ पर। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे इस प्रदर्शन के बारे में, जहाँ पर ये सभी यहाँ पर ये मौजूद है इन सभी प्रदर्शनकारियों के साथ में। मैम, आपकी क्या विचारधारा है, क्या प्रतिक्रिया? आप यहाँ पर आते हो, हम आपको रेगुलर यहाँ देखते हैं, तो आप इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी विचारधारा बहुत सिंपल है, मेरी विचारधारा गांधीयन है। और यहाँ के प्रोटेस्ट के बारे में जहाँ तक बात है, 30 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं प्रोटेस्ट को। ये औरतें डट के बैठी हुई हैं, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और जिन दिन तक यहाँ पे एक भी औरत बैठी रहेगी, हम जैसे लोग आते रहेंगे। बस आप इनको कोई स्पेशल मैसेज या कोई मोटिवेशन मैसेज देना चाहेंगे? मोटिवेशनल मैसेज सर ऐसे कैमरा पे नहीं दिए जाते, मोटिवेशनल मैसेज एक से एक बात करके दिए जाते। सही बोला, किसी की बात ही करवा देते। क्या करवाएंगे आप इनके लिए? कुछ एक मैसेज छोड़ दी यहाँ पर, आते रहो, झगड़ते रहो, लड़ते रहो, अपना हक लेने से डरो मत। और अब एक बार घर की दहलीज पार कर ली है, अब दहलीज पार ही रहना है। आगे कितनी लड़ाई है, कैसे लड़नी है, क्या आंदोलन चलना है, सब आपके बलबूते हैं। और आपको बैक एंड सपोर्ट जितना चाहिए उतना देने के लिए, जब तक ये शरीर खड़ा है तब तक हम खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे आपका बात करने का। एबीपी न्यूज़ में कैमरामैन अली के साथ दानिश इब्राहिम, मुंबई बाग से। स्टूडियो मुंबई बाग की और एक शेरनी, देखते इनकी क्या विचारधारा, क्या प्रतिक्रिया इस NPR CAA और NRC के बारे में। आए इनसे चल के बात करते हैं। आप क्या क्यों बैठे हैं, आप कितने दिन से बैठे, आप कब तक बैठने वाले, इस बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगे? जी, जैसे कि इलेक्शन शुरू होने वाला था तो हमारे सरकार जी क्या बोले, भाइयों बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमारे सरकार ने कितने अच्छे दिन ले आए कि हमारी सभी बहनों को इतनी कड़कती धूप में ये रोड पे लाके बैठा दिए। अब सरकार जी बोले कि हम तो बोला नहीं था कि आप लोग सर रोड पे बैठो, लेकिन हम लोग उसके विरोध में बैठे हैं, उसके विरोध में बैठे हैं जो ये तीनों काला कानून लाए हैं, CAA NRC MPR। तो हम गुजारिश करते हैं और कोशिश करते हैं, और हमें उम्मीद भी है कि हमारे सरकार ये हम अपनी बहनों का जो ये इसके विरोध में बैठी हैं, ये जल्दी से जल्द ये कानून वापस ले लें तो बहुत अच्छा है। तो इसका ये मतलब है, अगर सरकार जितना जल्द ये कानून वापस लेगी उतना ही जल्द आप लोग यहाँ से अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे? जी जी, बहुत जल्दी। अगर वो आज रात में ये कानून वापस ले लें तो हम लोग अब भी खुशी खुशी और फिर से हमारे हिंदुस्तान में एक गुलदस्ता खिल जाएगा। हम बहने भाइये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकदम खुशी से फूले फूलेंगे, एकदम खुशी खुशी से। इतना हिंदुस्तान में इतना खुशी पैदा हो जाएगा कि जैसे चौदही का एक चांद निकला हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एबीपी न्यूज़ में बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अली के साथ मैं दानिश इब्राहिम, मुंबई बाग से। एबीपी न्यूज़ में एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ एक मैडम बैठे, आइए उनसे जानना चाहते हैं वो यहाँ क्यों बैठी है। मैडम, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? जी, मेरा नाम नसीम है और मैं इलाहाबाद से आई हूँ, यूपी इलाहाबाद से आई हूँ। यूपी इलाहाबाद से आप यहाँ प्रदर्शन में बैठना है? मैडम, यूपी से तो आप दिल्ली के प्रदर्शन में जा सकते थे, इलाहाबाद में खुद एक प्रदर्शन चल रहा है, आप वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों आई है बैठने के लिए? हम अपनी अम्मी से मिलने आए थे, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए यहाँ पे आके ज्वाइन कर लिए। अच्छा, आपकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आप यहाँ पर उनसे मिलने और साथ ही साथ आप यहाँ प्रदर्शन में लग गए। अब जब प्रदर्शन में आप जुड़ गए तो आप बन गए प्रदर्शन का हिस्सा। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, तकरीबन 5 बज जाएगा अभी थोड़ी देर में, ये क्या वजह है जो आप लोगों को देर सारी रात जगाए रख रहे, ऐसी क्या बात है, ये क्या तकलीफ है आप लोगों को जो आपको पूरी रात जागने पर मजबूर हो गए हैं आप लोग? बस यही कि सरकार अपने काले कानून वापस ले और ये
देश सिर्फ उनका नहीं हमारा भी है, इसमें हमारे भी बुजुर्गों के खून शामिल हैं और हम इस देश को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम या इधर ही रहेंगे या तो अभी हम कब तक यहाँ रहेंगे वो तो सरकार ही तय करेगी कि वो हम कब तक, क्योंकि वो अपने डिसीजन वापस ले और हमें लिखित तौर पे दे कि हम हाँ ये चीज़ वापस ले रहे हैं, तब तक हम यहाँ बैठेंगे वरना यहीं पे इसी तरह हम बैठेंगे। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं जब तक ये प्रदर्शन चलता है वापस इलाहाबाद नहीं जाएंगे, मुंबई के प्रदर्शन में इस मुंबई बाग से जुड़े रहेंगे? नहीं, प्रदर्शन में तो हम आएंगे, अब वो प्रदर्शन इलाहाबाद का भी हो सकता है, क्योंकि हमारा एक ही एम है आज़ादी, काले कानून से आज़ादी, और ये हमारे संविधान को जो ये बर्बाद कर रहे हैं उससे हम लोगों, हम आज़ादी चाहते हैं काले कानून से और इस NCR NPR CA वगैरह से। चलिए, ABP न्यूज़ में बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अली के साथ मैं दानिश इब्राहिम, मुंबई बाग से।